राधे राधे मित्रों, हर मनुष्य पर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव उसकी लग्न कुंडली में उनके ग्रह की स्थिति के अनुसार पड़ता है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अभी इस ग्रह की महादशा चल रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है, या महादशा के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके कारण ज्योतिषियों से भी हम हल पूछते हैं, तो यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि हर मनुष्य को अपने जीवन काल में लगभग प्रत्येक ग्रह की महादशा से होकर गुजरना पड़ता है। शुक्र की महादशा सबसे ज्यादा यानी 20 वर्ष की होती है। हर मनुष्य पर विभिन्न ग्रह दशाओं का प्रभाव उसकी लग्न कुंडली में उस ग्रह की स्थिति के अनुसार पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली में चंद्र उच्च का है या कारक भाव में है, तो चंद्र की महादशा में निश्चय ही उसे लाभ होगा। यहाँ पर हम आपके लिए आज जो जानकारी लेकर आए हैं वो है ग्रह की महादशाओं को अनुकूल करने के लिए और कष्टकारी समय को दूर करने के लिए कुछ सरल उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली है सूर्य की महादशा। सूर्य आत्मा शक्ति और शारीरिक ऊर्जा का कारक ग्रह है। इसे पिता के रूप में भी देखा जाता है। यदि लग्न कुंडली में सूर्य उच्च का होकर मेष राशि में हो, लग्नस्थ या नवम भाव में हो, तो अनुकूल प्रभाव देता है। सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए ये बहुत लाभदायक है और तुला तथा कुंभ राशि के जातकों को कुछ कष्ट हो सकता है। वैसे सूर्य की महादशा में मनुष्य की आदतों में अवश्य परिवर्तन आता है। चूंकि सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, इसलिए इस राशि के जातकों को सूर्य की महादशा प्रारंभ होते ही अपनी आदतों और संगति दोनों पर सूक्ष्म दृष्टि रखनी चाहिए। अधिकतम लाभ के लिए बेल के वृक्ष का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और सूर्य देव को जल देना चाहिए। इससे कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा है चंद्र की महादशा। चंद्र मन, माता, राज्य, कृपा इत्यादि का कारक ग्रह है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र उच्च का होकर वृषभ राशि में है या चतुर्थ भाव में है, तो चंद्र की महादशा में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को सर्वाधिक लाभ होता है चंद्र की महादशा में। वैसे तो चंद्र की महादशा सामान्यतया किसी के लिए भी कष्टकारक नहीं होती, लेकिन यदि आपकी कुंडली में चंद्र राहु या शनि द्वारा दृष्ट है या उनकी युति में है, तो थोड़ा भावनात्मक कष्ट आपको हो सकता है। इन परिस्थितियों में जो उपाय आपको करना चाहिए वो है शिव जी की आराधना करें और चांदी का एक सिक्का अपने पास सदैव रखें। तीसरा है मंगल की महादशा। मंगल को बाहुबल, भाई, शत्रु और भूमि का कारक माना गया है। यदि आपकी लग्न कुंडली में मंगल उच्च का होकर मकर राशि में है या तीसरे या छठवें भाव में है, तो आपको मंगल की दशा में लाभ होगा। कर्क और मीन राशि के जातकों के लिए मंगल की महादशा लाभदायक होती है। वहीं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को मंगल की महादशा में अत्यधिक क्रोध के कारण हानि होती है। भूमि, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हनुमान जी की आराधना कर एक तांबे का सिक्का हमेशा अपने पास रखें। चौथी है बुध की महादशा। बुध को विद्या, बुद्धि, विवेक और कार्यक्षमता का कारक ग्रह माना जाता है और यदि आपकी लग्न कुंडली में बुध कन्या राशि में अवस्थित उच्च का है या चौथे अथवा दशम भाव में है, तो बुध की महादशा आपके लिए विकास के बहुत सारे अवसर लेकर आएगी। वैसे तो बुध की महादशा सामान्यतया सभी के लिए ठीक होती है, लेकिन कन्या व मिथुन राशि के जातकों के लिए ये बहुत अच्छी होती है। मीन राशि के जातकों के निर्णय बुध की महादशा में गलत हो सकते हैं, इसलिए मीन राशि वालों को बुध की महादशा में निर्णय लेने से पहले बहुत सोच समझ करके कोई भी निर्णय लेना चाहिए। विद्या प्राप्ति और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बुध की महादशा में गणेश जी का प्रतिदिन पूजन व मंत्र जाप करें। पांचवा है गुरु की महादशा।
गुरु को गुरु संतान देह और सौंदर्य का कारक ग्रह माना जाता है और यदि आपकी लग्न कुंडली में गुरु दूसरे पांचवें नवें दसवें या ग्यारहवें भाव में है तो आपको गुरु की महादशा में निश्चय ही लाभ होगा। यदि गुरु मकर राशि में पड़कर नीच का है या राहु अथवा शनि द्वारा दृष्ट है तो हानि भी हो सकती है। मेष राशि के जातकों को व्यवसायिक उन्नति और प्रमोशन जैसे लाभ गुरु की महादशा में ही होते हैं और कन्या राशि के जातकों को गुरु की महादशा में राज्य संबंधी हानि भी हो सकती है। इसके लिए जो उपाय करने चाहिए वो है, गुरु की महादशा में उन्नति के लिए केले के पेड़ का पूजन कर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। छठवां है शुक्र की महादशा। शुक्र को शास्त्रों में पत्नी, सुख, वाहन, प्रेम, सौंदर्य इत्यादि का कारक ग्रह माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में है या मीन राशि में अवस्थित उच्च का है तो आपको शुक्र की महादशा में लाभ होगा। शुक्र यदि कन्या राशि में है तो आर्थिक हानि हो सकती है। मिथुन, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र की महादशा अत्यंत लाभदायक होती है। कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को आर्थिक निर्णय सोच समझ के लेने चाहिए इस अवधि में। शुक्र की महादशा में अधिकतम लाभ के लिए जो उपाय करना चाहिए वो है लक्ष्मी जी की आराधना। लक्ष्मी जी की आराधना करने से आपको बहुत श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। अगला है शनि की महादशा। शनि को आयु, जीविका, नौकरी इत्यादि का कारण माना गया है। यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि तुला में होकर उच्च का है अथवा तीसरे, छठवें, दसवें या ग्यारहवें भाव में है तो आपको संपन्नता की राह दिखाता है। वृषभ और कन्या राशि के जातकों के लिए शनि की महादशा लाभदायक होती है। मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को न्याय संबंधी समस्याएं आती हैं। वैसे तो शनि की महादशा में सभी को हर तरह की परिस्थिति से दो चार होना पड़ता है क्योंकि शनि की महादशा 19 वर्ष की एक लंबी अवधि होती है। इन परिस्थितियों में अधिकतम लाभ के लिए जो उपाय आप कर सकते हैं वो है, पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर शनि मंत्रों का जाप करें या लोहे का एक छल्ला मध्यिका में पहने। अगला है राहु की महादशा। राहु एक छाया ग्रह है और दादा और पूर्वजों का कारक ग्रह है। मनुष्य के जीवन में जब भी कोई अवस्था ऐसी हो जब उसे कुछ सूझ ना रहा हो तो समझना चाहिए कि राहु का प्रभाव है। राहु अस्थिरता का कारक ग्रह है। यदि आपकी कुंडली में मिथुन राशि में है तो अपनी महादशा में सकारात्मक प्रभाव देगा। आपकी कुंडली में राहु यदि दशम भावस्थ है तो अपनी महादशा में व्यवसायिक प्रगति भी दे सकता है। राहु की महादशा में शिवजी की आराधना जरूर करें और चंदन का एक टुकड़ा गले में धारण करें। लाभ के लिए अच्छे लोगों से मित्रता करें। अगला है केतु की महादशा। राहु की तरह केतु भी एक छाया ग्रह है जो धनु राशि में उच्च का होता है। यह नाना और अन्य पितरों का कारक ग्रह है। केतु की महादशा में अनचाहे कार्यों को करने की स्थिति आ सकती है और मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी फंस सकता है। कुंडली में यह जिस राशि व जिस ग्रह के साथ होगा उसके अनुसार ही शुभ अशुभ फल आपको देगा। उपाय के लिए गणेश जी की आराधना व मंत्र जप करें और साथ ही साथ कुष्ठ आश्रम में दान करें और पक्षियों को दाना दें। ये सरल उपाय हैं जिन्हें करने से आपको ग्रहों की महादशा से होने वाले कष्टों से या तो मुक्ति मिलेगी या उनका पर्याप्त लाभ मिलेगा। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सामान्य नियम और विश्लेषण है। बाकी की आपकी जो समस्या है उसके लिए आपको अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी होगा। इसीलिए पूर्ण जानकारी के लिए आप किसी जानकार कुंडली विशेषज्ञ से अवश्य परामर्श करें। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।